सो इस ब्लाउज को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टोन का चेन यूज किया है, कुछ मेरे पास व्हाइट कलर के पर्ल्स हैं। अगर आप पर्ल्स नहीं यूज करना चाहते तो आप स्टोन्स को भी यूज कर सकते हो। और इसको चिपकाने के लिए मैंने फेब्रिक ग्लू का यूज किया है। सो आप देख सकते हो कि मेरी जो ब्लाउज है वो बिल्कुल भी प्लेन है। आप चाहो तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो एंड वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक सेंटीमीटर के गैप पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी जो ब्लाउज है वो पूरी प्लेन है एंड इस ब्लाउज की भी ट्यूटोरियल मैंने बना रखी है इसके पार्ट वन में। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जा करके इस ब्लाउज का फुल ट्यूटोरियल देख सकते हो, नहीं तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी मेरे इस ब्लाउज के ट्यूटोरियल को देख सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई प्लेन ब्लाउज है तो भी आप अपने प्लेन ब्लाउज को बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर लुक दे सकते हो। सो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो मैंने एक इंच पे जो मैंने मार्किंग की थी, मैं पूरे ब्लाउज पे इस तरीके से मार्किंग कर लूंगी। एंड अब मैं नेक पे फेब्रिक ग्लू कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। सो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे नेक पे कुछ इस तरीके से फेब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। एंड जो हमारा जो मैंने स्टोन की चेन यूज़ करी थी उसे मैं इस पे सीधे की तरफ रखते हुए मैं स्टोन की चेन इस पे चिपकाते जाऊँगी। एंड चेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही इजीली आराम से ये हो जाता है और बहुत ही अच्छा जो चेन में जो शाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप इस बात पे भी वरी मत करिएगा कि आप जो फेब्रिक ग्लू है उससे चेन निकल जाएगी, अब आप कई बहुत सारे वॉश के बाद भी ये चेन मतलब ये जो फेब्रिक ग्लू है वो ईजिली नहीं जाता है। सो आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट लेयर यहाँ पे इस तरीके से चिपका दिए है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पर्ल्स लगाऊंगी। सो पर्ल्स लगाने के लिए भी मैंने यहाँ पे फेब्रिक ग्लू का ही यूज़ किया है। मैं फेब्रिक ग्लू को इस तरीके से लगाऊंगी एंड इसके ऊपर मैं पर्ल्स को चिपका दूंगी। अगर आप पर्ल्स नहीं डालना चाहते तो आप स्टोन्स भी चिपका सकते हो, या फिर ये जो हमारा जो चेन था उसी को आप ट्रिपल या फोर्थ लेयर करके भी चिपका सकते हो। सो मैं अभी इसके ऊपर पर्ल्स लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं फिर से एक लेयर इसी स्टोन का बॉर्डर के तरीके से मैं इस पे लगा करके चिपका दूंगी। इसी तरीके से मैं पूरे नेक पे अपने पर्ल्स को चिपका दूंगी। सो आप देख सकते हो कि मैंने पर्ल्स लगा लिया है एंड इसके बाद भी मैंने स्टोन चेन की एक लाइन लगा ली है। एंड बॉटम में भी मैं इसी तरीके से लगा दूंगी एंड बैक पे भी मैं इसी तरीके से जैसा हमने फ्रंट में अपने नेक पे स्टोन्स एंड पर्ल्स लगाए थे उसी तरीके से मैंने पूरे अपने बॉर्डर्स को कवर कर दिया है। एंड अब जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसके ऊपर भी मैं फेब्रिक ग्लू लगाऊंगी एंड इसके ऊपर भी मैं इसी पैटर्न में अपने स्टोन को चिपका दूंगी। आप चाहो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, आप चाहो तो आप वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि मेरा जो ब्लाउज है वो बन करके बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा इसमें चमक आ रहा है एंड बिल्कुल पार्टी वेयर लुक आ रहा है। सो होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।